पांच अपडेट्स, पांच बड़े अपडेट्स जो प्रो कबड्डी सीजन 11 को लेके आए हैं, वो आपको इस वीडियो में कुछ मिनट में पता चल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनाउंसमेंट के साथ। तो गुजरात जायंट्स की टीम ने कप्तान अनाउंस कर दिया है, आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था एंड कप्तान हो गए नीरज कुमार, जो कि ऑब्वियस था, सभी ने गेस कर ही लिया था, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो नीरज कुमार गुजरात जायंट्स को लीड करते हुए दिख जाएंगे। एंड वाइस कप्तान की बात की जाए तो गुजरात जायंट्स के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर गुमान सिंह होने वाले हैं वाइस कप्तान। तो नीरज कुमार एंड गुमान सिंह को जिम्मेदारी दिया गया है गुजरात जायंट्स को संभालने का। दूसरे अपडेट की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था गुजरात जायंट्स का, जिसमें कप्तान भी अनाउंस हुआ, जर्सी भी रिवील हुआ एंड कोच राममेर सिंह ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। उन्होंने यही कहा है कि एक ही गोल, एक ही सपना एंड वो है ट्रॉफी जीतना, यानी कि गुजरात जायंट्स की टीम पूरी तरीके से सेट है। एंड प्रो कबड्डी का जब 8वां सीजन आपने देखा था तो पटना पायरेट्स की टीम में राम मेहर सिंह थे, जो असिस्टेंट कोच थे सुंदरम सर, एंड नीरज कुमार भी टीम में थे एंड साथ ही में यहाँ पे गुमान सिंह भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किए। वही सीजन से गुमान सिंह का नाम थोड़ा सा पॉपुलर हुआ। तो चारों का ही रीयूनाइट हो चुका है इस बार पीकेएल 11 में एंड फिर से खेलते हुए दिख जाएंगे। पीकेएल 8 में पटना पायरेट्स की टीम फाइनल खेली थी, कोई बड़े स्टार्स प्लेयर्स नहीं थे। क्या इस बार गुजरात जायंट्स की टीम फाइनल खेलेगी अपना तीसरा? कमेंट्स में जरूर बताएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्सी भी रिवील हुआ है एंड सिर्फ गुजरात जायंट्स की टीम ने नहीं, तीन टीमों ने आज के दिन जर्सी रिवील किया है। अब जर्सी दिखाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आज के दिन जितने भी अपडेट्स आए थे वो मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जितने भी अपडेट्स आ रहे पीकेएल 11 के अपडेटेड में रख रहा हूँ। तो आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके @sportsnif7 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है वो आपने अपने स्क्रीन पे देख ही लिया है। तो फटाफट उन तीन टीमों के जर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं गुजरात जायंट्स के साथ। तो ये है गुजरात जायंट्स का जर्सी जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे रिवील हुआ है। वैसे तो गुजरात जायंट्स की टीम अपने सोशल हैंडल्स पे पहले से ही ये जर्सी रिवील कर रही थी, लेकिन हम लोग ने सोचा था कि प्रैक्टिस किट है, लेकिन ये जर्सी होने वाला है जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड यूपी उधास की टीम ने भी आज के दिन जर्सी रिवील कर दिया था। वैसे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही मैंने आपको टेलीग्राम पे सुबह ही इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये क्लियर इमेज आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड साथ ही में आखिरी टीम की बात किया जाए तो यहाँ पे जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम ने वैसे तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन फोटोशूट के यहाँ पे फोटोज आए हैं जिसमें आप अर्जुन देसवाल को जयपुर पिंक पैंथर्स के नए जर्सी में देख सकते हो। वैसे क्लियर और जर्सी आपको इस PNG में देखने को मिल जाएगा जिसमें जयपुर का जर्सी है, ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहे। चौथे अपडेट की बात करते हैं तो दो टीमों ने अपने टाइटल स्पॉन्सर भी अनाउंस कर दिया है, जिसमें सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की टीम है। बेंगलुरु बुल्स एंड विजन 11 ने पार्टनरशिप कर लिया है एंड बेंगलुरु बुल्स के जर्सी के फ्रंट में आपको विजन 11 का लोगो देखने को मिल जाएगा। साथ ही में यूपी उदास की टीम ने भी अपना टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस किया, जो कि दफा न्यूज होने वाले है, पिछले सीजन भी थे एंड कंटिन्यू करेंगे एज अ टाइटल स्पॉन्सर। एंड पांचवें अपडेट की बात करते हैं तो जैंग कुल्ली ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक थोड़ा अलग टाइप का वीडियो अपलोड किया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एक टीजर टाइप अपलोड किया है जिसका टाइटल है किंग हैज रिटर्न। वैसे तो पता है कि कबड्डी में वापस आ चुका है, लेकिन वीडियो के एंड में एक डेट भी मेंशन है 2024 10/16, यानी कि 16 अक्टूबर को शायद से एक फुल वीडियो आएगा। वैसे तो ये टीजर था, अब देखते हैं कि किस टाइप का वीडियो आने वाला है। अब देखते हैं, जैसे आएगा वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देने वाला हूँ। फिलहाल ये पांच बड़े अपडेट्स थे पीकेएल 11 के रिगार्डिंग, आज के दिन जो निकल के आया वो मैंने आपको बता दिया है। वैसे प्रो कबड्डी सीजन 11 में सभी टीमों का फर्स्ट मुकाबला कौन से दिन को, कौन से टीम के अगेंस्ट एंड कितने बजे खेला जाएगा, इस पे डिटेल वीडियो मैंने इस वीडियो में बात की, आपने नहीं देखा तो लेफ्ट साइड क्लिक करके देख सकते हो। पीकेएल 11 के इस बार फ्री आएगा, जो भी लाइव स्ट्रीमिंग के डिटेल्स है आपने ये वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो राइट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियोज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।